हाँ जी स्टूडेंट्स, आज दी इस वीडियो मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास के जनरल इंग्लिश सब्जैक्ट के विचों कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की वीडियो। तुहानू पता है कि तुहाडे एग्जाम के विच जिहड़े तुहानू कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आ जिहड़ा पूछा जाएगा, जिस दे विच तुहाडे कोल क्वेश्चन है जिहड़े पैरे दे विचों पढ़ के तुसीं क्वेश्चन के आंसर जिहड़े करने होणगे। इह तां आपां नूं पता है कि जो आपां पैराग्राफ रीड करांगे तो उस दे विचों ही जिहड़े आपां नूं क्वेश्चन के आंसर ईजीली मिल जाते हुंदे ने इस दे विच। बट इस दे विच जिहड़े एक मैचिंग वाले जिहड़े हुंदे ने लास्ट दे विच क्वेश्चन जिहड़ा मैचिंग वाला हुंदा उस दे विच समटाइम प्रॉब्लम आ जांदी है, क्योंकि आपां नूं क्या हुंदा कि इस दे सिनोनियम नाल मैच करो जां एंटोनियम नाल, तो उस समय जिहड़ी कुछ प्रॉब्लम हुंदी आ। सो 10 पैसेज ने जिहड़े इंपोर्टेंट, उन्हां दे जिहड़े मैचिंग आ मैं तुहानूं इस वीडियो दे विच करवावांगी। उस तों इलावा तुसीं जदों एग्जाम दे विच जिहड़ा अपना पैसेज दा आंसर है जदों करने आ, जदों कॉम्प्रीहेंशन पैसेज तुसीं करन लगोगे स्टार्ट करना, फर्स्टली तुसीं क्वेश्चंस नूं रीड करना, दैन पैराग्राफ नूं रीड करना। फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना, फिर उसनूं पैराग्राफ दे विच अंडरलाइन करना कि कित्थे इस चीज़ की गल कीती हुई आ। इस नाल तुहाडी टाइम सेविंग होएगी, क्योंकि जे तुसीं पैराग्राफ फर्स्टली पढ़ के फिर क्वेश्चन ते जाओगे, फिर क्वेश्चन तो दोबारा फिर पैराग्राफ रीड करोगे, दैन इहदे विच बहुत टाइम वेस्ट होएगा। सो फर्स्टली क्वेश्चन रीड करना, उस तो बाद जिहड़ा पैराग्राफ दे विच जाके फाइंड करना कि कित्थे इस गल जिहड़ी इस चीज़ की गल हुई आ। सो इस तरह तुहानू ईजीली जिहड़े आंसर आ मिल जाणगे। फिलअप्स भी ते MCQ टाइप जे तुहानू क्वेश्चन पुछे होणगे उहनां दे आंसर भी जिहड़े तुहानू पैराग्राफ दे विचों पढ़ के ही मिल जाणगे। सो फस्ट ए पैसेज आ अपने कोल, वन नाइट अ मैन केम टू अवर हाउस एंड टोल्ड मी, ये वाला जो पैराग्राफ है इस दे विच जिहड़े अपने कोल मैचिंग दित्ती गई आ सिंपल एंड जीनियस वर्ड्स। इन्हां नूं तुसीं फस्ट जिहड़ा सिंपल आ उह आ इन्हां दे जिहड़े इत्थे ओपोजिट मीनिंग नाल इस नूं मैच करना सी। सिंपल कॉम्प्लीकेटड कि सधारण होएगा, एक उलझा होया कॉम्प्लीकेटड होएगा। जीनियस सैल्फिश, एक दयालू है दूजे पासे सैल्फिश परसन है, इहदा ओपोजिट की हो गया सैल्फिश। सैकेंड पैसेज अपने कोल, ब्रेन ड्रेन ऑल्सो रेफर्ड एज टू एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट इज द एक्शन ऑफ हैविंग हाईली स्किल्ड एंड एजुकेशन पीपल लिविंग देयर कंट्री टू वर्क अबरोड, ये वाला जो पैसेज आ शॉर्ट। बाकी क्वेश्चन के आंसर ने जो पैराग्राफ नू रीड करके जो ईजीली मिल ही जाने। जो अपने को इतने मैचिंग, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी, इस दे विच मीनिंग नाल दा जिहड़ा मीनिंग होएगा उस नाल मैच करना। कन्फ्लिक्ट की हुंदा डिस्प्यूट्स, रिड्यूस हुंदा डिक्रीज, रिड्यूस हुंदा घटना, कन्फ्लिक्ट्स हुंदे आ डिस्प्यूट्स। थर्ड है जी, पेंसिलिन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग इन्वेंटेड बाय मैन, इस बारे पैराग्राफ के जेडे अपने कोल जो मैचिंग दिती गई है। सो इस पैराग्राफ दे विच है जिहड़े अपने कोल कॉलम ए विदर मैच मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी दे विच आपां मैच करना। ऐड दा मैचिंग हैगा अपने कोल हैल्प, ऐड दा मतलब हुंदा मदद, प्रोसैस हैगा अपने कोल मैथड, मतलब कि किसी चीज़ की प्रोसैस मैथड किसी चीज़ नूं करन दा तरीका। सो इहने अपने कोल आंसर ऐड और प्रोसैस। नैक्सट आ फोर्थ अपने कोल, इन द 18th सेंचुरी वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न इकोनोमिस्ट एडम स्मिथ थॉट दैट द होल एनुअल प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड लेबर ऑफ एवरी कंट्री प्रोवाइड्स रेवन्यू टू थ्री डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द पीपल। सो इस पैराग्राफ के जो अपने को मैचिंग है वह है अपने को स्प्लिट आएगा ब्रोकन, एनुअल आएगा ईयरली के नाल, स्प्लिट आएगा ब्रोकन कि वंडिया जाना, एनुअल होंगे ईयरली सालाना। इस चीज़ का फर्स्टली ध्यान रखना कि विद्यर मीनिंग क्या के ओपोजिट मीनिंग क्या, एंटोनियम मैच करना कि सिनोनियम नाल मैच करना, ये चीज़ देख के तुसी मैच करना। नैक्सट है फिफ्थ, जोहन डेल्टन वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट होज ऐटोमैटिक थ्योरी, इस दे विच्चों इस पैराग्राफ दे विच्चों जिहड़ा अपने कोल मैचिंग है जो डिस्क्राइब्ड आएगा एक्सप्लेनड, वर्णन किसी चीज़ का, एक्समाइंड आएगा चैक्ट। नैक्सट है लैस ऑबियसली, इस दे विच है अपने कोल जी एक्सपेंसिव आएगा कोस्टली, विदर मीनिंग ही करना फिर इतने मैच, एक्सपेंसिव है कोस्टली खर्चीला।
नैक्सट है केयरनेस्टली सिंसियरली। देर आर इन अवर कंट्री एज इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इस वाले पैराग्राफ के अपने को है जी सिंपथी फीलिंग पिटी एंड टेंडरनेस, लॉनली सैड। नैक्सट है इन अ रिवर्सल ऑफ द नॉर्म एल्सवेयर, एट्थ पैराग्राफ के क्रीसिस आएगा डिफिकल्ट फेस, ऑप्टिमिस्ट आएगा वन हु लुक्स फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव आउटकम्स, उपदेशात्मक रहना, क्रीसिस आएगा डिफिकल्ट फेजेस। नेक्स्ट है नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल्स मदर, इस वाले पैराग्राफ के मैचिंग है अपने को स्पेक्टुलर अमेजिंग ज्ञांट ह्यूज, ज्ञांट है जोड़ा ह्यूज व्डा, स्पेक्टुलर है अपने को अमेजिंग। लास्ट वन हेल्थ एंड हाइजेनिक गो हैंड इन हैंड, इस पैराग्राफ टेंथ पैराग्राफ के मैचिंग है जी अपने को, इस दे विच अपने को पूछा गया मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी, ऑपोजिट मीनिंग है जिहड़े चुने, फ्रैश है स्टेल, फ्रैश हुंदा ताज़े, स्टेल हुंदा बासी, ते प्रिजर्व डिस्ट्रॉय, प्रिजर्व हुंदा बचाउणा ते डिस्ट्रॉय हुंदा खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना नष्ट करना, सो फ्रैश स्टेल प्रिजर्व डिस्ट्रॉय। इसी अपने को कॉम्प्रीहेंशन पैसेज फॉर प्लस टू क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।